हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोइचिरो उनो'स वेट एंड राइडिंग मूवी को, जो 1982 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों, ये मूवी एरोटिक कॉमेडी है जो बहुत अच्छी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस मूवी को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही मेरे द्वारा एक्सप्लेन सभी मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम चलते हैं मूवी की तरफ। इस फिल्म की शुरुआत एक लड़की की चीख से होती है, जहां हम एक घने जंगल के अंदर एक लड़की को देखते हैं, जो किसी से बचकर बिना कपड़ों के भाग रही होती है, और इस लड़की का नाम योको होता है। तभी हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं, जो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है, और अब योको कुछ दूर भागने पर उसका पैर एक पेड़ की जड़ में फंस जाता है, जिसकी वजह से वह नीचे जा गिरती है और वो लड़का उसे पकड़ लेता है। और अब वह लड़का धीरे धीरे उसके पास आता है और अब वो जोर से उसे थप्पड़ मारता है और इसके बाद गुस्से से उसकी मौसम्बियों को निचोड़ के रख देता है। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। हालांकि योको उसे छोड़ने को बोलती है, पर आखिर में वो भी उसके साथ मजे लेने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं योको किसी जंगल में नहीं होती है। योको सिर्फ इस बात का सपना देख रही थी और उसे इस बात का बहुत मजा आ भी रहा होता है। तभी उसका पति उसे सपने से बाहर निकालता है और उसे जब पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रही थी, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या लड़की है अपने पति के ऊपर बैठकर किसी और आदमी के साथ इंटीमेट होने का सपना देख रही है। उसके बाद हम योको और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो एक फेस्टिवल में गए हुए होते हैं और वो वहाँ हवा में उड़ती पतंग को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं, जो एक जगह जाकर अपनी अपनी विश मांग रहे थे। तब उसका पति योको से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। तब वो बोलती है, मैंने आपके लिए विश मांगी कि आपके अंदर शक्ति हमेशा बनी रहे। ये सुनकर उसके पति को जोश आ जाता है और अपने आप को शेर समझने लगता है। पर हमें पता चलता है कि योको ने विश की थी कि उसके पति की शक्ति बनी रहे पर बिस्तर पर, ताकि वो उसके साथ जोरदार इंटीमेट हो। उसने ये विश इसलिए की थी क्योंकि उसका पति बिस्तर में बहुत कमजोर था और वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। इसके बाद हम योको को देखते हैं, जो अपनी डांस क्लास के लिए एक ट्रेन से जा रही होती है। तभी वो वहाँ पर एक लड़के को देखती है, जिसके सामान को देखकर योको एक्साइट होने लग जाती है। तभी वो लड़का योको से बात करने उसके पास आता है और योको को लगता है कि वो उससे इंटीमेट होने के लिए पूछेगा, पर वो आकर उससे बोलता है कि आपने अपना टिकट गिरा दिया है, और ये सुन योको का पोपट हो जाता है। इसके बाद हम एक डांस क्लास का सीन देखते हैं, जहां पर योको अपनी क्लास में डांस कर रही थी। तभी वहां डांस का टीचर आता है और एक लड़की को डांस स्टेप्स सिखाने के बहाने उसे टच करके उसके मजे ले रहा होता है। हालांकि वो लड़की भी उसके साथ मजे ले रही थी और ये देख योको भी बहुत एक्साइट हो जाती है। और अब हम योको और यशुको को देखते हैं, जो अपने अपने हस्बैंड के बारे में एक दूसरे को बोलती है। और जब यशुको अपने हस्बैंड के बारे में योको को बताती है तो योको को बहुत दुख होता है, क्योंकि योको के लाइफ में ये सब सुख नहीं होता है। इसलिए अब यशुको योको को बोलती है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद वह अपनी डांस क्लास अटेंड करके वापस अपने घर आ रही होती है। तभी उसे वही ट्रेन में मिलने वाला लड़का मिलता है और योको उसके पास जाकर बोलती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब वह बोलता है कि मैं एक सेल्समैन हूँ, और अपना कार्ड निकालकर योको को देता है। इसके बाद योको उसे अपने घर के अंदर इनवाइट करती है
और बोलती है, आप क्या बेचते हो? और तब वह अपना सूटकेस ओपन करता है और उसके अंदर से कॉन्डोम निकालता है और अब वह डेमो के लिए उनको पहन कर दिखाता है। पर उसके सामान को देखकर योको के मुंह में पानी आ जाता है और तभी वो सेल्समैन योको को दिखाते दिखाते वो योको को पकड़ लेता है और अब कब वो दोनों आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां योको अपने पति का इंतजार करती हुई तैयार होकर खड़ी हुई होती है और अपने पति के आने का वेट कर रही होती है और जब उसका पति उसके पास आता है तब वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और उसे कॉन्डोम देती है। पर उसका पति जब वो उसके हाथ में कॉन्डोम देखता है तो वो योको पर बहुत गुस्सा करने लगता है। इसके बाद योको उसके साथ इंटीमेट होने को बोलती है पर उसका पति बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है और एक मिनट के अंदर ही निपट करके सो जाता है और योको दोबारा प्यासी रह जाती है और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां योको का पति योको को बोलता है कि आज मेरा भाई जन पे आ रहा है, उसको तुम रिसीव करने रेलवे स्टेशन चली जाना। वो एक विलेज के इलाके से है, उसे इन सब के बारे में कोई खास पता नहीं है। ये सुन योको उसे बोलती है कि ठीक है, मैं उसे रिसीव कर लूंगी। इसके बाद योको जनपे को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है जहां पर वो उसे मिल जाता है और अब वो योको को आते ही बोलता है कि मैं आपके यहां पर एक सप्ताह रहूंगा। ये सुन योको उससे बोलती है कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों ट्रेन में बैठकर वापस घर जा रहे होते हैं। इसी बीच योको जिनपे को देखकर बैठी हुई सोच रही होती है कि इसने मुझे आते ही आंटी बोल दिया। और दूसरी तरफ जिनपे भी योको को बुरी तरीके से घूर रहा होता है। इसके बाद अगले स्टेशन पर एक और लड़की ट्रेन में बैठती है जिसे जिनपे देखता रह जाता है और अब उसके नाक से खून बहने लगता है। उसके बाद वह अपने घर आ जाते हैं और अब हम उन तीनों को डिनर करते हुए देखते हैं। इसके बाद अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि योको सड़क पर चलकर जा रही होती है जो एक डेंटल हॉस्पिटल में जा रही होती है जहां पर वह वेटिंग में बाहर बैठी हुई होती है। तभी वहां पर अंदर से किसी फीमेल पेशेंट की जोर से आवाज आती है और अब वह सोचती है कि यह किस तरह से इलाज करता है। इसके बाद योको का नंबर आता है और वह उस डॉक्टर के पास अंदर जाती है। पहले तो डॉक्टर उसके मुंह में उंगली डालकर दांतों को चेक करता है, फिर उसकी आंखें बंद करके उसके कपड़े उतार के उसकी मालिश करने लगता है जिससे वह बहुत एक्साइट हो जाती है। और तभी वो नोटिस करती है कोई उसके ब्रेस्ट को टच कर रहा है, इसलिए वह अपने आँखों की पट्टी को उतार देती है और वह देखती है और वहाँ उसकी फ्रेंड यशुको होती है। और अब डॉक्टर बोलता है कि हम तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक है। और जब योको यशुको को देखती है तो वह बिल्कुल न्यूड खड़ी होती है और अब यशुको योको से बोलती है ये मेरे हस्बैंड है और जब तुमने अपने पति के बारे में मुझे बोला तभी मैंने एक अच्छी दोस्त के नाते तुम्हें यहाँ बुलाया अपने पति के साथ इंटीमेट होने के लिए। वाह क्या दोस्ती है, पर योको बोलती है पर यहाँ। ये सुन अब यशुको योको से बोलती है अब ये क्लिनिक पूरे दिन के लिए बंद रहेगा, चलो आओ अब हम मजे करते हैं। इस पर योको बोलती है कि मेरे दांतों का क्या होगा। तब वो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे दांतों का काम हो गया है, अब हम खेल सकते हैं। तब योको बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब यशुको बोलती है कि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके पति के लिए भी है। और अब योको भी यह बात मान जाती है और वह डॉक्टर उसकी पत्नी और योको दोनों के साथ एक एक करके इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद हम योको को देखते हैं जो रात को आकर अपने सूखे कपड़े निकाल रही थी, तभी उसे उसकी एक पैंटी नहीं मिलती है। हालांकि वो उसे ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलती है। तब उसे लगता है कि शायद वह हवा से उड़ गई होगी और अब वो अचानक जनपे के रूम में चली जाती है और वो ये देख बिल्कुल शॉक हो जाती है
क्योंकि उसने उसकी पैंटी अपने सर में पहन के मास्टरबेट कर रहा होता है। और अब योको ये देख चिल्ला पड़ती है, पर तब तक उसने अपना काम कर चुका होता है, इसलिए अब योको जाकर उसके द्वारा फैलाए कचरे को साफ करती है। पर तभी जिनपे उसको देखकर एक्साइट हो जाता है और वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। हालांकि योको जिनपे को ऐसा करने से मना करती है, पर अब जिनपे उसे बोलता है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसलिए मैं स्त्री की संरचना बड़ी बारीकी से देखना चाहता हूँ। और यह बोलते हुए वह योको के साथ इंटीमेट होने लगता है और अब वह अपनी आंटी योको को निपटा देता है। और अब हम अगले दिन डांस क्लास का सीन देखते हैं, जहां पर योको डांस कर रही होती है और अपनी फ्रेंड यशुको से बातें कर रही होती है और वो उसे अपने लिए नौकरी ढूंढने के लिए कह रही होती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम योको को देखते हैं, जो अपने पति के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर उसका पति बिना कुछ किए सो जाता है, इसलिए अब योको भी सोने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद हम योको को देखते हैं, जो यशुको के रेफरेंस से एक बुटीक में पार्ट टाइम जॉब पर लग जाती है। इसके बाद हम योको को देखते हैं, जो एक शॉप में शॉपिंग करने जाती है, जहां वहां का मैनेजर एक लड़की को फटकार लगा रहा था क्योंकि वो वहां चोरी करते पकड़ी गई थी। हालांकि वो अपनी गलती नहीं मानती, पर वो मैनेजर बोलता है ये आपका पहली बार नहीं है। इस पर वो माफी मांगते हुए बोलती है ये मुझसे गलती से हुआ है। और अब उस शॉप का मैनेजर उसे अपने केबिन में लेकर चला जाता है और ये सब योको बड़े ध्यान से देख रही होती है। इसके बाद हम केबिन का सीन देखते हैं, जहां पर वो मैनेजर उस लड़की का नाम और एड्रेस नोट करने के लिए बोलता है। हालांकि वो लड़की बोलती है कोई और रास्ता नहीं है। इस पर वो बोलता है मुझे मेरा काम करना पड़ेगा और अगर आप नहीं मानी तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और अब वो मैनेजर बोलता है कई लड़कियां आती हैं और अपने अंडर गारमेंट्स में सामान छुपा के ले जाती है, मुझे आपकी तलाशी लेने की जरूरत है। ये सुन वो लड़की घबरा जाती है और अपने कपड़े उतार देती है और बोलती है मैंने और कुछ नहीं छुपाया। ये देख मैनेजर डर जाता है क्योंकि वो उसके केबिन में न्यूड हो रही थी। और अब योको उस केबिन के बाहर आती है, जहां वो लड़की बोल रही होती है मुझे जाने दो। ये सुन उसे लगता है वो मैनेजर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो छुपकर केबिन के अंदर जाने लगती है। तभी कुछ पैकेट योको के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे वो जोर से चिल्लाती है। और अब मैनेजर उसे बोलता है तुम क्या कर रही हो यहाँ। तब योको बोलती है तुम इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे थे, मैंने देखा था। तब मैनेजर बोलता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तब योको बोलती है ये लड़की यहाँ बिना कपड़ों के खड़ी है और तुम बोल रहे हो मुझे कुछ गलतफहमी हुई है। तब मैनेजर इस बात को खत्म करते हुए बोलता है तुम जाओ यहाँ से। और अब वो लड़की भी यहाँ से योको को थैंक्स बोलकर चली जाती है। इसके बाद योको खुद भी न्यूड होकर मैनेजर के पास जाती है और बोलती है अगर आपको किसी के साथ इंटीमेट होना है तो आप मेरे साथ हो सकते हो। हालांकि मैनेजर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर योको उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाती है, इसलिए वह मैनेजर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इसके बाद हम योको को देखते हैं, जो अपने घर वापस आ रही होती है। और वो जैसे ही अपने घर में एंटर होती है तो जिनपे के कमरे से किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है। और अब योको छुपकर उसके रूम में जाकर देखती है तो वह एक लड़की के साथ में इंटीमेट हो रहा होता है। इसके बाद हम योको के पति को देखते हैं और वो जैसे ही घर के अंदर आता है उसे उसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके कारण वो डर के वापस अपने घर से भाग जाता है। और अब डरता हुआ वह वापस अपने घर के अंदर आता है, पर वो लड़की वापस चिल्लाती है इसलिए वो फिर से भाग जाता है। इसके बाद वह छुपके अपने ही घर में देखता है, तब वो देखता है उसकी वाइफ उसके सामने खड़ी होती है। तब वो योको को बोलता है ये आवाज क्या तुम निकाल रही थी। तब योको बोलती है मैं नहीं, मेरे साथ चुपचाप आओ।
और अब यो को ये आवाज कहाँ से आ रही थी। ये अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है, और अब वो दोनों देखते हैं जिनपे उस लड़की के साथ कैसे इंटीमेट हो रहा है। और अब योको उसके पति से बोलती है, इसका नाम मसाको है। और पहली बार हम योको के हस्बैंड को देखते हैं जो पहली बार एक्साइटेड हो जाता है, और वह योको को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। और अब जब वो योको के साथ इंटीमेट होता है तो जिंदगी में पहली बार योको को बिल्कुल अलग ही एहसास होता है। मतलब अब वो योको को आराम से संतुष्ट कर पा रहा था, और अब योको की झंड जिंदगी चमन हो गई थी। इसके बाद योको दिमाग लगाती है, अगर हम अपने पार्टनर को एक्सचेंज करेंगे तो मेरे हस्बैंड और ज्यादा विगरस हो जाएंगे। और अब वो इस बारे में अपनी फ्रेंड यशुको से पूछती है, और वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम योको और उसके हस्बैंड को एक कार से स्वैपिंग पार्टी में जाते हुए देखते हैं। मतलब उसका हस्बैंड भी इस बात के लिए मान गया था। इसके बाद वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यशुको ने टेकजवा के घर ये पार्टी रखी है। इसके बाद हम उन तीनों कपल को टेकजवा के घर में देखते हैं, जो बोलता है कि आप लोग आए इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद वह अपनी पत्नी को बुलाता है, जिसका नाम आइको होता है, और जब वो उन कपल के सामने आती है तो योको उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे शॉप में मैनेजर के साथ इंटीमेट हो रही थी। और उसे देखकर योको जैसे ही कुछ बोलने लगती है, उससे पहले ही आइको अपने हस्बैंड के कान में बोलती है, ये वही लड़की है जिसने उस शॉप में मेरी मदद की थी। और ये सुन टेकजवा योको को बोलता है कि मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी पत्नी की बहुत मदद की। ये सुनकर योको बोलती है कि मैंने इनकी मदद बिना सोच समझ कर कर दी। इसके बाद वह तीनों कपल आपस में ड्रिंक करते हैं और पार्टी इंजॉय करते हैं। इसके बाद में हम उन तीनों लड़कियों को एक साथ नहाते हुए देखते हैं, और अब वो तीनों डिसाइड करती है कि कौन किसके पति के साथ इंटीमेट होगी। और अब हम योको को देखते हैं जो अपने पति के रूम में जाकर देखती हैं, पर जब वो अपने पति को देखती हैं तो वो देखती रह जाती है, क्योंकि वह आइको के साथ बहुत अच्छे से इंटीमेट हो रहा होता है। और अब योको भी खुशी खुशी टेकजवा के पास जाती हैं, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड से अब कोई शिकायत नहीं थी। जो वह चाहती थी वह हो चुका था, और उसके साथ इंटीमेट होती है। और अब हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो अपने अपने हस्बैंड को आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे के हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रही होती हैं, और अपनी सेक्स डिजायर को पूरा कर रही होती हैं। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म होती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये मूवी पसंद आई और आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई हर मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेन में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।